गाइस फाइनली वो टाइम आ गया जब इसने कैसे बनाई मैं आपको वो बताती हूँ ना। घर के बाहर एरिया थोड़ा ना लो लाइन एरिया में फ्लड आ गया थोड़ा सा गया अभी इतना सा डिस्टेंस हमने कवर किया है इतना सा डिस्टेंस। और उसके बाद हमारी बाइक अटक गई। उसने क्या कहता रिजा भी ब्लॉग वालो तो गाइस आज के नाश्ते में मेरे स्पेशल मतलब मेरे फेवरेट पकौड़े और साथ पराठा साथ कैचअप। जान शक्ल इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अच्छी नहीं लग रही है। अभी तैयार होकर फिर आपको मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। शाम हो गई, मतलब 5 बज गया 5 बजे मैं उठी। 2 बजे मैं सोई थी, आई थिंक 2 बजे सोई थी और 5 बजे उठी है। किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। अब मैं सोच रही हूँ खाना बनाने से पहले कि बातें सुननी पड़ेगी मुझे। सबसे इजी काम है क्योंकि लेट हो जाओ तो आप आलू बना लो, जल्दी बन जाते हैं। तो आज बनाने लगी हूँ मैं आलू। सबसे पहले तो आलू बनाते हैं ना, आलू छीलते हैं फिर कुछ और करेंगे। चेक करें इतने छोटे बाल हो गए ना तो उसकी छुट्टियाँ होती नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने ये छुट्टियाँ की है। शुरू किया है ना, इन लोगों का एक ही सवाल होता है सुबह सुबह मैं सोई होती हूँ, मुझे उठा के पूछते हैं आज क्या बनाना है और मेरा यही जवाब होता है मुझे नहीं पता। रोज़ाना ये सोचना कि क्या खाना बहुत ही बड़ा टास्क है। आलू तो मैंने काट लिया, मैं काटने लगी हूँ प्याज। इसके लिए सिर्फ चाहिए हमें प्याज, ना लहसुन ना टमाटर। ओके इतना तेज़ प्याज है ना, ये इतना तेज़ है मैं क्या बताऊँ। इसे ऐसे ही करूँगी ना आँखों में इतना जाता है, आँखों में नाक में मुँह में हर जगह हमें मुँह में और नाक में पहुँच जाता है। ये तो बहुत ही तेज़ है। अभी मैं काट लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखा मैंने कहा था ना इतना जाता है आँखों में नाक में, आंसू निकलने लग गए। इधर नजर नहीं आ रहे पता नहीं क्यों, लेकिन आँखों में बहुत जाता आँख अभी भूलती नहीं है मेरी, अभी भी नहीं भूली। मैं मुँह धो लूँ फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। आगे ना आँखें खुली हैं कसम से, इतना गया है ना क्या बताऊँ मैं आपको। तो वैसे अब शुरू करने लगी मैं खाना बनाना, आलू बनाना। आपको भी थोड़ा साथ दिखाऊंगी, देख लेना प्लीज़ आगे स्किप मत करना। ओके और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जो आप करते नहीं हो बगैर सब्सक्राइब किए देख ही जाते हो। मेरा गला का क्या हो गया तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब किए बगैर आप देख लेते हो प्लीज़। बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो, आपको क्या ही जाता है, एक बटन ऐसे ही तो करना है, कर दो। तो जी मैंने बनाना शुरू कर देती हैं आलू। इतना प्याज डाल, इसमें ज़्यादा ही प्याज जाता है। इसको पहले हम ना थोड़ा कर लेंगे सोते, फिर कुछ और करेंगे। पानी डाल दिया, अब मैंने सारा भून लिया था पानी डाल के। अब ये आलू हो जाएंगे तो फिर हम इसे दोबारा भुनेंगे। तब मैं सोच रही हूँ अंदर चले जाऊँ, अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अभी इसे टाइम लगना है। मैंने चला आहिस्ता कर दिया, अंदर जाकर पंखे में सुकून से बैठती हूँ। पानी ले जाते हैं बोतल, ये देखें जी पानी ले जाते हैं अंदर सुकून से बैठ देते। कितना पसीना आ रहा है ये देख, ऐसा लगा स्किन ग्लो कर रही है पर ये सारा स्वेट है। तो मुझे चूंटियाँ पता नहीं कहाँ से काटी जा रही है। सुबह यहाँ पर काटा, फिर दोपहर को ये हाथ पे इधर काटा, अब यहाँ पर काटा। ये चेक करें, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। इधर हो गया तुम्हें तो हुआ नहीं, उनको कैसे हो सकता। चेक करें मेरे ड्रेसिंग टेबल की हालत, और ये मैंने सामने क्लासेस ऐसे रख छोड़ी हुई है। अभी ये भी सेट करना है। बिल्कुल तैयार है मेरे आलू, अब बस आप ही बनाएगी रोटियाँ और फिर हम खाएंगे खाना। रात का रोटियाँ बनाती है फिर खाना खाते हैं, तब तक मैं इसी में रेस्ट मारती हूँ और आप ही को पकाने देती हूँ। बना रही थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, दिल भी ख़राब हो। गर्मियों में मेरा ऐसे ही होता है, किचन में बाद में जाती हूँ दिल पहले ख़राब होने लग जाता है। मतलब गर्मी होती है तो फिर ऐसा हो जाता है। अब मैं फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। 3 दिन से कुछ भी नहीं मैंने देखा, उधर टाइम ही नहीं लगता। बस व्लॉग एडिट करने के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाला मैंने उधर भी। और अब बस वो ये किसकी आवाज़ है। अब बस कुछ देखती हूँ और तब तक रेस्ट करती हूँ, फिर खाना दूंगी सबको। पी के काम चेक करें। अभी मैंने खाना भी बनाया, मुझे रोटी भी देगी अब करा गई है बनाने के लिए, पकाने के लिए। अभी मैं बनाती हूँ ना, ये पूरी रोटी फूल जाती है और मुझे हैंडल करनी नहीं आती। फिर मैं इसे कैसे कहाँ से पकड़ूँ, इसकी हवा भी निकल के ना हाथ में पड़ जाती है। अब ये देखिए पूरी की पूरी फूल गई है, मैं इसे कैसे करूँ। हाँ तो मेरा आ गया, अब मैं खा लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ और एक किस्सा सुनाती हूँ। लाओ आपी, जिस काम के लिए तुमने व्लॉग ऑन करवाया लाओ दे दो। मैंने किसी काम के लिए नहीं कराया, मैं बल्कि जा ही रही थी, सारे बाल पीछे से खोल गए। लाओ आपी, ओ क्या हरकतें कर रही हो, लाओ फ्रेंड दे दो मुझे। अब ये मुझे दे रही थी कि ये तुम हफ्ते के लिए तुम्हारा जेब खर्च खा पी लेना। लाओ प्लान कैंसिल। मिल गया, ये देखिए इसे मुझे दे दी 500 रुपीज़। शुक्र है किसी ने तो दिया, कोई मुझे देता है। 500 रुपया मिल गया मुझे। अभी मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी मैंने चेक किया ज़रा भी गैस नहीं आ रहा। खाओगे? मैंने और पापा ने तो खा लिया, इन दोनों ने नहीं खाई, भाई ने और आप ही ने। भूखे रहो, मुझे कमेंट में लिखना जुवेरिया चुड़ैल। ओके, जो जुवेरिया के स्टूडेंट्स हैं ना वो बिल्कुल यही लिखेंगे, अगर ना लिखा ना उनसे तो मैं फिर उनका इलाज करूंगी। वो जानबूझ के अपने टीचर की हिमायत करती हैं। वो कतई नहीं लिखेंगे। वो लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। वो लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। देखते हैं। इनकी रोटी तो बनी नहीं, इन्होंने आज भूखे रहना। मैं पर आज कुरकुरा खाऊंगी कुरकुरा खाऊंगी। नो ये तो मेरे हैं, तुम्हें क्यों मंगवाओगे? ओह नो नो, अब मेरे हो गया, मेरे हाथ में आ गया तो मेरे हो गया, जाओ तुम। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं आपको जो आपी के साथ उस दिन हुआ ना 14 अगस्त वाले दिन, मतलब दिन नहीं 14 अगस्त वाली रात, जब मैं हम फूफो की तरफ गए थे। आपने 14 अगस्त वाली रात को क्या हुआ? 14 अगस्त मनाई होगी कॉमन सेंस। नो 14 अगस्त इसने कैसे मनाई मैं आपको वो बताती हूँ ना, बिल्कुल बताऊंगी आपने कैसे मनाई। हाँ तो कुछ लोग झंडे लगा के 14 अगस्त मनाते हैं, मैं मिट्टी में लोट ये तुमने सारा क्लाइमेक्स सभी की बता दिया उससे। तो मैं आपको बताती हूँ इसके साथ हुआ क्या था। हम 14 अगस्त, जिसने व्लॉग देखा होगा ना उसमें मैंने नहीं बताया, अगर 14 अगस्त वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आ रहा होगा, देख लेना ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ, हम जब रात को बारिश होने लग गई थी, हम सारे कह रहे थे रुक जाओ, तो हम नहीं रुके क्योंकि हमने वापस आना था। तो हमने कहा जब रुकेगी हम तब चले जाएंगे, काफ़ी लेट हो गया था ना। तो बारिश रुक गई थी जब हम निकले थे। हाँ जी बारिश रुक गई थी जब हम निकले थे, लेकिन उनका एरिया घर के बाहर एरिया थोड़ा ना लो लाइन एरिया में फ्लड आ गया था कुछ ज़्यादा ही फ्लड आ गया था, तो छोटे छपड़ियाँ छप्पर बन गए थे तो छोटे छप्पर बांध के थे, मेरे बालों का क्या हुआ। हाँ छोटे छप्पर बांध के थे। तो जब हम निकलने लगे सीरियस, अभी हम जा रहे थे ना तो अनीसा में छोड़ने जा रहा था, जिसको नहीं पता वो व्लॉग में नहीं आया, मेरा हमारा कज़न है ना। तो मैंने कहा अनीस, उसे ना सारे काका कहते हैं बड़ा भी, जो जिसका नाम काका पाया जाता है वो बड़ा भी हो, उसका नाम काका ही रहता है। इसी तरह ना इसी बात से एक बात चल रही, इसी तरह ना हमारी एक फुप्पो का नाम अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, हमें उनका नाम भी ना काकी पड़ा हुआ था। तो जब भी ना हमारे बड़े ताबू उनके घर जाते थे ना तो उन्होंने ना यहाँ कह के जाना चलो फिर यार अज काकी नू मिल लाने। तो हम जब छोटे थे इतनी हंसी हमें आती होती थी कि यार एडे वे ने हाले भी काकी नू मिल लाने। आगे भी मैं बताती हूँ, हम अभी उतरे थे सीढ़ियों से, मैं उतरी थी, मैंने ना उसे कहा काके यार सानू ना सही सलामत घर पहुँचा दी, सानू कितने डेग डूग ना दी। अभी मैंने कहा अभी हम उतरे हैं सबसे मिलके, तो बाइक पे उतरे हैं ना, तो जहाँ से बाइक पे उतरे हैं मतलब बाइक पे जाने के लिए उतरे हैं, घर से बाहर निकले हैं। तो जब हम जिस रास्ते आए थे ना उस रास्ते से नहीं गए, ये हमें ना जहाँ घास घूस था ना उस रास्ते से लेके गया। तो नहीं अगर उस रास्ते से जाते ना, उस रास्ते में ज्यादा छप्पड़ बना हुआ था वहाँ, तो ऐसे करके बाइक। हाँ तो दूसरे रास्ते से गए ना जिसमें घास था, उधर कहीं स्लिपरी हुआ था। तो हम अभी थोड़ा सा गया, अभी इतना सा डिस्टेंस हमने कवर किया इतना सा डिस्टेंस, और उसके बाद हमारी बाइक अटक गई। उसके बाइक के नीचे आ गया क्या आ गया बाइक ना स्लिप भी नहीं हुई, इतनी वो था सिपलन भी नहीं थी, इतनी फिसलन भी नहीं थी, लेकिन बाइक के टायर के नीचे आ गई ईंट। उस ईंट ने जो काम खराब किया ना, तो काके ने हमें नहीं कहा कि आप लोग उत्तर जाना, मैं भाई का ही कर लूं। अभी रीजन मेरे ना दिल में ही बात थी और मेरे दिल में आ रहा था कि हम उत्तर जाए। मेरे तो बिल्कुल था कि मैं कहती हूं कि काके असली उत्तर जाने हैं तू आगे कर ले, पर काके ने भी नहीं किया ते असली भी नहीं किया। असली भी टीठा होंगे बैठे, काके ने भी नहीं किया, असली भी नहीं किया। फिर जो होया तो होया ही। हाँ तो फिर उसने भी नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा, हम भी बैठे थे। वो भी ऐसे ऐसे आगे करता रहा वो भी आगे नहीं हुई और जो थोड़ी सी आगे हुई। नहीं आगे क्या होनी थी, ये थी ईंट और ये था बाइक का टायर, और टायर के बिल्कुल यहाँ, टायर के बिल्कुल यहाँ यानी बिल्कुल कॉर्नर पे मैं बैठी थी। ये खुद तो आगे बैठी थी मैं। अच्छा साथ ही उसने ऐसे किया, नीचे से ईंट ऐसे हुई है, ऐसे बाइक स्लिप हुई है और मैं बाइक स्लिप नहीं, बाइक मतलब थोड़ी आगे हुई है ना, पीछे वाला टायर का बैलेंस नहीं रहा। हाँ। टायर थोड़ा ऐसे ऐसे हो गया और आप ही पता क्या ऐसे मैं आपको डेमो देती हूँ। अभी ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे करिए, बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी, टायर हुआ ऐसे, आप ही गई सारी ऐसे 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 कोई ऐसे ड्रामेटिक नहीं हुआ था, मतलब ऐसे पीछे गई, मतलब ऐसे बैठी थी ना, और मतलब बिल्कुल गई थी, मतलब ऐसे बैठी हुई हो ना, तो यहाँ से बिल्कुल घूम के ना मैं पीछे गिर गई। अच्छा खासा घूम के गिरी है ये, मतलब ड्रॉप करके नीचे, इतना भी घूम के नहीं, नॉर्मल जिस तरह मतलब ऐसे बैठी हूँ तो मेरा ना वजन सारा, जब वो स्लिप हुई तो मेरा बैलेंस नहीं रहा, तो मैं ऐसे पीछे की तरफ, और ये पीछे की तरफ अच्छी खासी गिर गई। मैं कहा पीछे से कहाँ गई, देखा तो पीछे गिर गई थी। साथ ही देख लिया था, ड्रामेबाजी करा करो। फिर मैं उतरी, मैं कहा आप ठीक हो ना, ठीक हो, ज्यादा तो नहीं लगी। मैं खुद ही उठ गई। मुझे काका कहता रीजा भी ब्लॉग खोलो वीडियो भी देखे। इतने बदतमीज है ना सारे बंदे, ये नहीं पूछते कहीं लगी या नहीं लगी, बस व्लॉग खोलो व्लॉग। लेकिन हमने व्लॉग नहीं खोला, इतना अंधेरा था क्या, मैं कहा क्या मैं इसे दिखाऊं गिरते हुए, मिट्टी में पड़ी हुई, मैं क्या ही दिखाऊं। पर ज्यादा तो कुछ भी नहीं, मतलब कि बस मैं ऐसे ना जिस तरह बंदा वैसे ऐसे करके लेट नहीं जाता, मैं वैसे लेट गई, छप्पर में लेट गई। नहीं मतलब मेरी टांगे भी पूरी तरह नीचे नहीं लगी थी और साइड भी नीचे नहीं लगा था, झाड़ियां थी ना, सर तो झाड़ियों में अटक गया, एक साइड नीचे गिरी थी। ये वाला मेरा ये वाला जो बाजू है ना, ये ऐसे ईंट पे लगा, तो फिर मुझे यहाँ पर लगी थी छोटी सारी चोट। सही हो गया। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। फिर तो ये गिर गई, उठ गई, मैंने उठाया, मतलब खुद ही उठ गई। फिर हम बैठे, फिर वो काके ने बहुत उठाया, तो खैर हम फिर सही सलामत घर आ गए। मैंने कहा मैं एक ऐसे ड्राइवर साथ जाती हूँ, दूसरे कजन साथ, इतनी तेज बाइक चलाता ना, मैं कभी नहीं आज तक गिरी बाइक से, और यकीन करें मैं आज तक कभी नहीं गिरी बाइक से। ये फर्स्ट टाइम था जो काके चाल भी नहीं थी, काके ने गिरा दिया, जो बाइक चाल भी नहीं थी और काके ने गिरा दिया। और आगे की मैं सुनाती हूँ। हम घर आ गए, इसने आगे पापा को नहीं बताया कि ये गिरी है, अभी तक पापा को इसने नहीं बताया कि ये गिरी है, इसको जोड़ लगी कहा भी कुछ नहीं बताया। मैं गिर गई, अब मैं नशर करती कि मस्जिद में ऐलान कराती कि मैं गिर गई। लेकिन फिर भी बंदा घर आता है गिर गई बताता है कि मैं गिर गई। पर खैर मैंने भी नहीं बताया, इसने भी नहीं बताया, ठीक है। तब हम घर आए तो लाइट गई हुई थी, तो हम उधर बैठे थोड़ी देर इंतजार किया। मैं कहा अभी भूती तो नहीं, मैं काफी ज्यादा तो नहीं चोट लगी तुम्हें। फिर मैंने तो वॉच किया, वैसे तो आते ही बनाती है टिकटॉक्स वीडियोस, आते इसने कपड़े चेंज किए, फिर उस दिन कैसा चेंज आया, आते इसने कपड़े चेंज। फिर मैंने खुद को वॉश किया, मैंने कहा ज्यादा नहीं लगी, बस यहाँ ना बाजू पे कोने पे लगी थी, जो ईंट पे लगी थी ना। अच्छा उस टाइम तो लगा कि नहीं लगी, बस इतनी लगी है जितनी नजर आ रही है। बाद में मैं उठी, मैं कहा यार दर्द करन डे। और मैं एक चीज बता, माय बट्स आर पेनिंग। और एक चीज मैं और बता दूं, ये मैंने इसे पूछा ज्यादा तो नहीं लगी, तो इसने कहा मुझे यहाँ पे लगी है, पर ना मेरा नया सूट फट गया। हाँ तो मैं तुम्हारे पास ही वहाँ गया, शुक्र करो ज्यादा नहीं लगी, ईंट पास ही थी, सर भी लग सकता था। मैं कहा शुक्र कर कि तो सिर नहीं बज गया, फट नहीं गया, कि तो हो सर नहीं लगी। एक कमीज, नवी कमीज है, तो थोड़ी को फट गई है, तो तेरे में ना हो रहा, इतना सा छोटा सा, मतलब इतनी लगी थी ना, इतना छोटा सा सुराख, लेकिन फिर भी नया सूट था, नई शर्ट थी भाई, नई शर्ट थी। दिल दुखता है, दिल दुखता है। नई शर्ट देखें, अब जख्म तो सही हो गया, मांस भी आ गया, अब वो कमीज तो नहीं ना सही होनी, उसे रफू कराना पड़ेगा। ये पागल, मैं ऐसे कहूँ क्या पता ज्यादा लग जाती, शुक्र करो थोड़ी सी लगी है, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा फट गया तो क्या होगा, कपड़े तो कल आज ही दुकान आ ही जाएंगे नए इंशाल्लाह ताला। लेकिन खुद तो इंसान है ना, कहीं ज्यादा लग जाती है, हाथ हड्डी हड्डी टूट जाती है, तो कौन नहीं तुम्हें हड्डी लगवा के देता। लेकिन इसने वो रट पकड़ी थी, मेरा नया सूट खराब कर दिया। जाहिर है बंदे को अब इतनी चोट वैसे ना लगी हो, पर सूट फट जाए तो दुख तो होता है ना। कौन कौन मेरे साथ रिलेट कर सकता है, कमेंट्स में बताइएगा। दुख होता है, सही बात है, कसम से दुख होता है। नया सूट था मेरा, इसे ज्यादा इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसने नीचे पैंट पहनी हुई थी ना, तो काफी मोटी होती है पैंट, तो उसकी वजह से ना इसे काफी ज्यादा मतलब बचत हो गई, चोट नहीं लगी, वरना इसकी पूरी टांग पूरी की पूरी छिली होनी थी। पैंट ने बचा लिया। हाँ, और लाइमलाइट की कमीज ने बचाया मुझे। लाइमलाइट वालों प्लीज अपना फैब्रिक अच्छा बनाओ, वैसे तो ये भी लाइमलाइट का अच्छा बनाते हैं, अच्छा होता है, अपना फैब्रिक अच्छा बनाओ ताकि कोई गिरे और आपका सूट ना फटे। इतना महंगा लेते हैं हम, थोड़ी सी कदर करो हमारे पैसों की और कुछ अच्छा बनाओ, ठीक है आपकी। हाँ। शिकायत कर दिया मैंने। हाँ तो मेरी शिकायत जैसे उन्होंने सुनने आना। चलें गाइस, ये किस्सा यहाँ तक ही था, आज का किस्सा यही था। और कोई किस्सा आप जानना चाहते हैं, कोई आप ही एक और है छोटे होते का एक और किस्सा है, वो मैं किसी और दिन व्लॉग में बताऊंगी। मेरे पास भी जिसने वो वाला किस्सा सुनना है ना, वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि प्लीज अगले एक व्लॉग में वो किस्सा बताएं, तो मैं बता दूंगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।